के रुपौली से शंकर सिंह की जीत हो चुकी है। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, जेडीयू के कलाधर मंडल की हार हो गई है और आरजेडी की बीमा भारती की करारी हार। कई फासले देखने को मिले बीमा भारती और शंकर सिंह की। शंकर सिंह की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन देखिए शंकर सिंह निर्दलीय रुपौली सीट से ये जीत चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को परास्त करके निर्दलीय जो है वो झंडा गाड़ दिया है। और चलिए आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। आनंद, अब जो कह सकते हैं कि जीत है वो अब दर्ज हो चुकी है, कलाधर मंडल हार चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जेडीयू के अगर लिहाज से बात करें तो जेडीयू ने अपने सामने बीमा भारती को देखा, कोई स्ट्रेटेजी जो है वो इस निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बनाई गई और उसका भी एक बड़ा फैक्टर बना। बिल्कुल, अगर रणनीति बनाई जाती तो शायद ऐसी परिस्थितियां न होती, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं या फिर एनडीए के नेता हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बड़ी संख्या में एनडीए के नेता वहां पे कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी से। मुझे याद है राहुल की, जब मैं वहां पे था तो रोड शो भी किया गया था, कई चुनावी सभाएं हुई थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ कई एनडीए के नेता वहां पे थे। चिराग पासवान की रैली वहां पे हुई, जीतन अमांझी की रैली हुई, तो एनडीए की तरफ से जो भी बड़े चेहरे थे तमाम लोगों ने वहां पे चुनाव प्रचार किया। बावजूद इसके क्या कुछ जानकारी मिल रही है, शंकर सिंह की जीत हो चुकी है, क्या माहौल? जी बिल्कुल, शंकर सिंह जीत चुके हैं। अब शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 8211 वोट से जीत चुके हैं। 12वें राउंड की जो फाइनल राउंड है, 12वें राउंड की भी घोषणा हो चुकी है। शंकर सिंह 8211 वोट से जीते हैं। शंकर सिंह को कुल 67779 वोट मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल है, उनको 59568 वोट मिला है और ये डिफरेंस 8211 वोट का है। जबकि राजद प्रत्याशी बीमा भारती जो शुरू से ही पीछे थी, उनको महज 30108 वोट मिला है और लगभग 37600 वोटों से बीमा भारती पीछे हो गई है। और नोटा की बात करें तो नोटा में 5675 वोट पड़े हैं। ऐसे में शंकर सिंह की जीत इस बार हो गई है, फाइनल हो गई है ये घोषणा।